हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। 10 मिनट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी टर्म दिया था बेटा एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है एडवर्ड विल्सन, और यही शब्द वाल्टर जी रोजेन ने भी दिया था। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है सभी टाइप की डायवर्सिटी को हम इंक्लूड करेंगे, जो जीन लेवल पे हो, जो स्पीसीज लेवल पे हो, या इकोसिस्टम लेवल पे हो। ये तीनों जो होती है बायोडायवर्सिटी, इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले होता है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। इसमें क्या होगा, जो जीन लेवल पे डायवर्सिटी होती है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, या फिर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उसको हम लोग वो स्टडी करेंगे। ठीक है, एक ही स्पीसीज में जो डायवर्सिटी देखी जाती है उसी को बोलते हैं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जैसे कि मैंगो की बहुत सारी प्रजाति, मैंगो की एक ही प्रजाति है, उसमें बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, जैसे दशहरी आम हुआ, लंगड़ा आम हुआ, चौसा आम हुआ, ठीक है ना, सफ़ेदा आम हुआ, तोता परिया आम हुआ, ऐसे बहुत सारे होते हैं, और इससे नई नई प्रजातियाँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर टू होती है बेटा स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। इसमें क्या होता है, स्पीसीज लेवल पे डायवर्सिटी देखी जाएगी, यानी एक ही स्पीसीज कहीं ज़्यादा पाई जा रही है और उसकी दूसरी स्पीसीज कहीं और पाई जा रही है। तीसरा होता है बेटा इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे जो वैरायटी होती है उसको देखेंगे। IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर जो है मॉर्जेस में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसका न्यू नेम है बेटा WCU, यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस पाई जाती है, और 1,000 के करीब पाई जाती मैंगो की प्रजाति। इंडिया में 142,000 स्पीसीज प्लांट और एनिमल की रिपोर्ट की गई है, जिसमें से 45,000 के करीब क्या है प्लांट है, और बाकी के यानी 90,000 से भी ज़्यादा क्या है एनिमल है। इंडिया जो होता है वहाँ पर 8.1% ऑफ टोटल बायोडायवर्सिटी शेयर करता है, जो कि जिसका लैंड एरिया है 2.4% ओनली। ठीक है, इंडिया जो होता है 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज में एक है। ठीक है, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी जो होता है उसमें वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो बदलता रहता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एल्टीट्यूडेड पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में देखा गया, जनरली जो स्पीसीज डायवर्सिटी होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी घटेगी, विद द वेरी फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है ट्रॉपिक्स में, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में है, वहाँ पर हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरिया, वहाँ पर ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कोलंबिया जो होता है इक्वेटर के करीब है, वहाँ पर 1400 स्पीसीज पाई जाएगी बर्ड की, जबकि न्यूयॉर्क जो होता है वो 41 डिग्री नॉर्थ पे है, वहाँ 105 स्पीसीज पाई जाएगी। ठीक है, ग्रीनलैंड 71 नॉर्थ पे है, वहाँ पे केवल 56 पाई जाएगी, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे घट रहा है। इंडिया जो होता है ये भी नियरली इक्वेटर की तरफ है, तो यहाँ पे 1200 प्रजातियाँ बर्ड की पाई जाएंगी। फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर, इक्वेटर एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 10 गुना ज़्यादा वैस्कुलर प्लांट पाए जा रहे हैं फॉरेस्ट में, किसकी तुलना में, टेम्परेट रीजन की तुलना में, लाइक इन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। द लार्ज ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी, और इसीलिए इसको बोला जाता है लंग ऑफ प्लैनेट। रीजन क्या है बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होने का, तो इसका रीज़न है सबसे पहला ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर, यानी काफ़ी सालों तक डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए वहाँ पर इवोल्यूशन काफ़ी अच्छे से हो गया, और वहाँ पर क्या हुआ, बायोडायवर्सिटी तेजी से पनप गई। दूसरा कारण है कि इन्वायरमेंट वहाँ पर लेस सीजनल था, मतलब फ्लैक्चुएशन कम आता था, इसलिए कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहती थी, हर चीज़ पहले से प्रिडिक्टेबल था, नीचे स्पेशलाइजेशन आसानी से हो रहा था, और इसकी वजह से बायोडायवर्सिटी बढ़ गई वहाँ पे। तीसरा कारण है कि सनलाइट यानी सोलर एनर्जी वहाँ ज़्यादा अवेलेबल होती ट्रॉपिक्स में, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से बायोडायवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि ट्रॉपिक्स में टेम्परेट की तुलना में ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डायवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, नंबर वन क्या है, इकोसिस्टम विद हाई बायोडायवर्सिटी मोर प्रोडक्टिव, यानी जितनी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, देन द इकोसिस्टम विद लोअर बायोडायवर्सिटी की तुलना में। डेविड टिलमैन ने आउटडोर प्लॉट्स बनाए थे, उन्होंने आउटडोर प्लॉट्स बना करके ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जहाँ पर ज़्यादा बड़े प्लॉट होते हैं वहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडायवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम उतनी ज़्यादा होगी। ऐसी कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जा रही हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, किसकी तुलना से, लेस स्पीसीज की तुलना से। रिच बायोडायवर्सिटी इज ऑल्सो एसेंशियल टू मेक द इकोसिस्टम मोर फंक्शनल, मतलब जितना ज़्यादा बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होगा इकोसिस्टम में उतने ज़्यादा फंक्शन हो गया, उतनी ज़्यादा हमारे एग्जिस्टेंस के चांस बढ़ जाएंगे। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल इनरिच ने दी थी। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जर्नल नेचुरलिस्ट और जियोग्राफिल अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इन्होंने बोला कि बायोडायवर्सिटी मतलब एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, बट अप टू ए लिमिट। जैसे यहाँ 5 है, एरिया इतना छोटा है, 5 स्पीसीज पाई जा रही है, एरिया बढ़ाए 10 हो गई, ये 15 हो गई। अब आप एरिया बढ़ाते जाओ तो फिर एक लिमिट के बाद अब नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होता है, अप टू ए लिमिट ही बढ़ती है, यानी स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट और बर्ड और बैट, फ्रेश वाटर फिश,
टर्न आउट बी ए रेगुलर हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आपको इसका कर्व मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में। ये देखिए स्पेसिस डिस्टेंस और एरिया के बीच में किया गया तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में मिला। और यहाँ इक्वेशन फॉलो होगा एस बराबर सी ए की पावर जेड, ठीक है। अगर लॉग टेबल पे चलेंगे तो लॉग एस बराबर लॉग सी जेड लॉग ए, और जब लॉग टेबल पे देखेंगे तो इसका कर्व मिलेगा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेयर एस बराबर स्पेसिस डिस्टेंस, ए एरिया है, जेड स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, और सी है वाई इंटरसेप्ट। द वैल्यू ऑफ जेड वेरी करती रहती है 0.1 से 0.2 के बीच में रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ रीजन, यानी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप के रिगार्ड के रिस्पेक्ट पे किया गया है। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर कॉन्टिनेंट, यदि बहुत बड़ा एरिया हो तो यानी कि स्पेसिस डिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ने पे देखो स्पेसिस डिस्टेंस बढ़ गई है तो जेड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 0.6 से 1.2, यानी कि अगर जेड की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब स्पेसिस डिस्टेंस बढ़ रही है। और जेड की वैल्यू इस स्लोप को बोलते हैं स्लोप, अगर किसी कर्व में स्लोप अगर ज़्यादा स्टीपर है तो फिर क्या होगा, स्पेसिस डिस्टेंस ज़्यादा होगी, कम स्टीपर है तो उसकी स्पेसिस डिस्टेंस कम होगी। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसके लिए एविल क्वाड्रेंट दिया गया, यानी चार रीजन दिए गए। सबसे पहला था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है प्लांट और एनिमल के एक्सटिंक्ट होने का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है हम लोग लगातार नष्ट करते जा रहे हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है जिसको लंग ऑफ प्लैनेट मैंने अभी बोला था, ये भी लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए और बीफ कैटल को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ओवर एक्सप्लाइटेशन में क्या होगा, बहुत सारी स्पीसीज को हम लोग ने ओवर एक्सप्लाइट कर लिया अपने लालच के चक्कर में, जैसे स्टेलर सीकाउ, ठीक है, पैसेंजर पिजन, लास्ट 500 सालों में ये सब गायब हुए। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब कुछ विदेशी प्रजातियों को हम लोग ने अपने लोकल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने हमारी लोकल प्रजाति को ही डिक्लाइन या एक्सटिंक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल प्रजाति, जैसे कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लेंटाना, उसी तरह से वाटर हाइसिंथ या आईकॉर्निया, ये सब क्या हो गया हमारी लोकल प्रजातियों को इन्होंने गायब कर दिया। को एक्सटिंक्शन क्या होता है, जब एक स्पीसीज गायब हो गई तो उसके उससे रिलेटेड दूसरी स्पीसीज है वो भी गायब हो जाएगी, जैसे प्लांट अगर गायब होते हैं एनिमल भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ऑब्लिगेटरी वे होता है जिसमें स्पीसीज गायब हो जाती हैं। एग्जाम्पल वन है व्हेन होस्ट फिश बिकम्स एक्सटिंक्ट, जब होस्ट फिश गायब हो गई तो उसके ऊपर पैरासाइट जो पाया जाता था वो भी विलुप्त हो जाएगा, हम लोग गायब हो जाएंगे तो जुएं भी गायब हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज ट्रू इन केस ऑफ प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, यानी कि पॉलिनेटर गायब हो गए तो प्लांट भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। रीजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला रीजन है नैरोली यूटिलिटेरियन, हमें इससे कुछ नैरोली यूटिलिटेरियन चीज़ें मिलती हैं लेकिन वो काउंटलेस और डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट वाली होती हैं जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, फायर फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टेनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ये सब नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है जिससे इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, डायरेक्ट बेनिफिट होगा। दूसरा होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इसमें क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी जो मेजर रोल प्ले करती है बहुत सारे इकोसिस्टम में, इसमें वो सर्विसेज आ जाएंगे जैसे ऑक्सीजन का मिलना, पॉलिनेशन का होना, फ्लड का आना, ठीक है, सॉइल इरोजन कंट्रोल, ये सब आ जाता है फ्लड को रोकना और सॉइल इरोजन। तीसरा एथिकल, यानी कि मानवता को ध्यान में रखना, और ये बहुत इंट्रेंसिक वैल्यू का होता है, हर स्पीसीज का अपना एक मोल है और उस मोल को हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, उसका हमको वैल्यू देनी चाहिए, और ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम सभी चीज़ों को अपने फ्यूचर जनरेशंस को पास कराएं, यानी कि उसको नष्ट ना करें, जैसा हमें मिला है वैसे हम विरासत में देके उनको जाएं। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन में बेटा दो तरह का कंजर्वेशन होता है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है, जो भी कोई भी इकोसिस्टम है अगर उसी जगह पे उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, जैसे सेक्रेट ग्रोव इसके अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, द ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट आर सेट असाइड एंड ऑल द ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ विद इन द वेनिरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, यानी किसी भी जगह पर किसी भी फॉरेस्ट को ही टोटली प्रोटेक्ट कर दिया गया, इसको सेक्रेट ग्रोव बोलते हैं। जैसे सम ऑफ द फॉरेस्ट इन खासी, जयंतिया इन मेघालय, अरावली हिल ऑफ राजस्थान। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाया गया, इसमें क्या किया गया बेटा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे हाई रिचनेस ऑफ स्पीसीज होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडिमिज्म होता है, एंडिमिज्म का मतलब वो स्पीसीज सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह पे पाई जाए और कहीं ना पाई जाए। टोटल 34 हॉट स्पॉट बनाए गए पूरे वर्ल्ड में, जिसमें इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला हो गया, इंडो वर्मा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और हिमालय तीसरा हो गया। प्रोटेक्टेड एरियाज, इकोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी विद द नेचुरल एंड द कल्चरल रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बनाया गया। एक्स सीटू में क्या होगा, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिलेक्टेड रेयर प्लांट ऑफ एनिमल इज प्लेस्ड आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, मतलब इसमें जो जहाँ की चीज़ें वहाँ पे प्रोटेक्ट न करके किसी और जगह पे प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ पे सेम इन्वायरमेंट हो, ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑफ साइट कलेक्शन, जैसे कि इसमें आ जाएगा वाइल्ड लाइफ,
डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज इन द बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब इसमें आ जाएगा, जीन बैंक आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं जहाँ पे वाइबल सीड को, ठीक है, लाइव ग्रोइंग प्लांट को, टिश्यू कल्चर, फ्रोजन जर्मप्लाज्म को पूरा का पूरा स्टोर कर लिया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है -190 डिग्री, जिसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर सीड या एम्ब्रियो को या पॉलेनगेन को प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं? और एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, और उसको नेचुरल रिसोर्सेज मिलता रहे, ठीक है, प्रॉपर हैबिटेट मिलता रहे। इंडिया में 90 नेशनल पार्क हैं आज की डेट पे, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क था, और काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह है जहाँ राइनोसेरॉस को किया गया है प्रोटेक्टेड। सेंचुरीज क्या होती है? एक ऐसा एरिया जहाँ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाएगा ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एक्सप्लाइटेशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लाइटेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। और इंडिया में 492 सेंचुरी है आज की डेट पे। बायोडाइवर्सिटी रिजर्व क्या होता है? लार्ज ट्रैक ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड वेयर मल्टीपल प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम बाय द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ चलाएंगे और छोटे छोटे झुंड में इंसानों को स्टोर कर देंगे। बहुत सारे प्लांट और एनिमल का जेनेटिक रिसोर्स होगा। और इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है आजकल। ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है। रेड डाटा बुक में हम लोग ने इनडेंजर्ड स्पीसीज को रखा है, ये देखो EDR है, तो इनडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया है, और जो स्पीसीज विलुप्त हो रही है उनको रखा गया, और IUCN ने इसको मेंटेन किया था, ठीक है। इसमें 8 कैटेगरी है, एस्टिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लोअर रिस्क, डाटा डाटा डेफिसिट एंड नॉट इवेलुएटेड, इन सबको रख दिया गया है। इंटरनेशनल एफर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देखिए WCU का पुराना नाम था IUCN, मैंने पहले बोला था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काफ़ी एफर्ट किया है। अर्थ समेसन 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है, वहाँ पे चलाया गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज को इकट्ठा किया था 1992 में, जिससे ये सक्सेसफुल रहा। फिर इसी तरह से वर्ल्ड समिट चलाया गया, ये 2002 में चलाया गया था, जोहान्सबर्ग ऑफ साउथ अफ्रीका में चलाया गया था, और यहाँ पर भी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही थी उसको ग्लोबल और लोकल लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में चलाया गया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में क्या हो गया? इंडियन रिस्पॉन्स ऑफ कंजर्वेशन टू द बायोडाइवर्सिटी, इंडिया का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इसमें। किया क्या गया? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट बेनिफिट यूजिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, यानी जेनेटिक रिसोर्स को आसानी से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। रामसर साइट क्या होती है? नेम्ड आफ्टर द सिटी रामसर इन ईरान, ईरान में रामसर सिटी है, उसके नाम पे चलाया गया। वेयर रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971, रामसर कन्वेंशन चलाया गया था 1971 में, और वहाँ पे जो वेटलैंड है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी, क्योंकि वहाँ पानी है नहीं, इराक ईरान में ऑयल ज़्यादा है। वेटलैंड क्या होता है? दीज आर द एरिया जहाँ पर पानी को प्राइमरी फैक्टर के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा, और उसके बाद इन्वायरमेंट में कंट्रोल किया जाएगा, जहाँ जिससे प्लांट और एनिमल लाइफ सस्टेन कर पाएगी। और क्या होगा? यहाँ पर वाटर टेबल बनाए गए, और यहाँ पे किस लैंड में कितना वाटर स्टोर किया जा सकता है वो सब बताया जाता है, ठीक है। ये तो हो ही गया वेटलैंड। दीज साइट्स आर मेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड, ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इकोलॉजिकल फंक्शन, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक, ऑन रिक्रिएशन ऑफ वैल्यूज, जिससे बहुत सारा वैल्यू बढ़ा। इंडिया में कहाँ पे है रामसर साइट? जैसे चंद्रा ताल हिमाचल प्रदेश में, चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है ना, डिपोर व्हील असम में, लोकताल लेक मणिपुर में, सांभर लेक राजस्थान में, और बुलर लेक जम्मू कश्मीर में। 3-2 वेटलैंड, यानी वेटलैंड काफ़ी लॉस होती जा रही है, तो लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा, सैलिनेशन हो जाए, सलाइनेशन, एक्सेसिव इंडेशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज, एक्सेसिव डेवलपमेंट, रोड बिल्डिंग, इस कारण ये सब बेकार हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग ने कर लिया, फिर मिलते हैं हम लोग 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।